हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल कटारे। आप सब कैसे हो? तो आज हम बना रहे हैं लड्डू। किस चीज़ के? गोले के लड्डू। क्योंकि मेरा एक मंथ जो है लग चुका है, सेवन मंथ्स जो है मेरे एक्चुअली अभी खाना खाया ना, तो 7 महीने मेरे पूरे हो चुके हैं, 8वां मेरा लग गया है। तो इसी खुशी में हम बना रहे हैं लड्डू, क्योंकि 8वें महीने में लड्डू खाते हैं। ये बेबी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं नारियल के लड्डू खाने से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि आगे का ब्लॉग आपको कैसा लगेगा। प्लस यार, आप देखते ही नहीं मेरी वीडियो, देख लिया करो प्लीज़। इतने प्यार से बोल रही हूँ, वीडियोज़ देखा करो प्लीज़ मेरी, ठीक है? लाइक करा करो, कमेंट करा करो, और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर देना, एंड बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस है मेरी वीडियोस की आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई यहाँ पे जो है मम्मी ने शुरुआत कर दी है गोले पीसने के लिए। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा आप काट दो, मैं पीस पीस के आपको देती रहूँगी गोले। तो क्योंकि पता नहीं भाई, गोले हार्ड होते तो कटने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये और एक और गोला मैं रख रही हूँ निकाल के, कि जस्ट इन केस पावने को अगर पसंद आ गए लड्डू तो फिर बार बार थोड़ी ना डलेंगे, है ना? तो इसलिए एक एक्स्ट्रा गोला मैंने निकाल दिया है यहाँ लड्डुओं के लिए। तो भाई ये बन रहे हैं मस्त लड्डू। पावनी कह रही वाइट लड्डू खाऊंगी मैं बाद में। सभी लड्डू हो गए हैं हमारे रेडी, और अब सूख भी गए हैं थोड़े से। उसके बाद इनको जो है किसी चीज़ के अंदर डाल के रख देंगे। और ये सारे लड्डू मेरा 8 मंथ लग चुका है, आपको पता ही है। तो 8 मंथ में क्या होता है कि सुबह अगर दूध के साथ एक लड्डू ये खा लिया जाए, सो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि जो बेबी की आई साइट है वो बहुत अच्छी होती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि डिलीवरी में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि घी होता है। और अभी जैसे जैसे 8 मंथ मेरा स्टार्ट हो ही चुका है, तो एक टाइम तो दूध लड्डू और दूसरे टाइम जो है घी वाला दूध, जिससे डिलीवरी में आसानी हो। और जितना हो सके उतना वॉक करना है, काम करना है दबाकर फुल, जितना हो सके उतना काम करना है, ताकि जो है डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो। सो थोड़ी देर में मिलेंगे अब आपसे, ठीक है? ये क्या आ गया? मनीषा लेके आई इसके लिए ड्रेस। अरे मम्मा, ये इतना सुंदर सूट को लेके आया मेरे लिए। मतलब बेटा ये सूट नहीं है। क्या आ गया? अरे ऐसे कैसे, लुक जाऊ गाड़ी में, लुक जाओ मम्मा, मम्मा लुक जाओ, बोलना नहीं है। वाह वाह, हाँ ये स्टिक्स होती है ना, ये जोड़ने के लिए। मैं तो कह रही थी ना बांधती। अरे दिन में जोड़ा, अभी तो जुड़े नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। इन घर जुड़ के सारे कटे एक लगा होगा ना, मुझे तो ही जुड़ गया। देखो देखो, सामने देख लो दे अपने फ्रोजन। विक्की पता क्या बोल रहा था, है कि फ्रोजन, मैं विक्की तुझे फ्रोजन नहीं बोलती, बोले बार भी होगी ना, मगर है तो। वाव पावनी तो बहुत सुंदर है। कौन सा कपड़ा है मम्मी ये? टेन थाउजेंड का कपड़ा से होता है। वाव, ये तो कितना बिग है पावनी, कितना बिग है ये। ऐसे कुछ है ना, जो भी तुझे रुजा रुजा, ये सारे गुम हो गए थे ऐसे ही। गुम हो गए थे हाँ, ये ऐसे ये वो होगी ना। हाँ अरे अभी अभी नहीं, छोड़ दे बिल्कुल, हम इसे जोड़ेंगे अभी। नहीं लगता बेटा, टाइम लगता। इंस्ट्रक्शंस भी तो ऐसे ऐसे हैं ना। 11 पीस, 10 पीस। पावनी अब बिल्कुल नहीं मानोगे? कहाँ सेट करूँ? मम्मी से पूछ रहा है। उठ जाए तो भाई, पावनी का टेंट हाउस ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा होने वाला है। ये वो होंगे ना ऊपर के, ऊपर की तरफ लगते होंगे ना, ये तो बड़े हैं ये। पावनी क्यों परेशान हो रही है? टेंट हाउस तैयार कर लिया। अरे टेंट हाउस नहीं कर रहे हो, सो गए आप।
आप पापा की एक तरीके से हेल्प कर सकते हो। ये ऐसे भी तो जाएंगे ऊपर की तरफ। बट ये फिक्स करने पड़ेंगे टेप से, है ना? वेट, ना 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 ना, मैं इसका लगा दूं। ये वाला नहीं लगेगा बेटा, इसमें येलो लगेगा। पापा येलो कर देना। रुक जा एक मिनट यार। इसमें लगा दे ले। इतने दिमाग लड़ाना पड़ता है इनमें भी। रिका टेंट हाउस ऑलमोस्ट हो गया है पूरा, है ना पावनी? टाइट कर देना एक बार, इसी ने लगाया दूसरे वाला ना। इसको ना टेप से फिक्स कर दो, लम्बे तो अभी कर दो। फिर वो डाल दोगे आप? कर ही दो ना। मैं इतनी टेप लगाने की जरूरत नहीं, कहीं ना निकले। निकलेगा नहीं, बट फिर भी अपने फिक्स करते हैं। ठीक है। अब भी हम ये जो है पावनी की टेप है, इसको बनाने के लिए सारे जो इंस्ट्राइट करते हैं एक बार बेटा। मैं भी कुछ जो है जो इंस्ट्राइट। ओह वाव पावनी, वेरी गुड पावनी, बहुत अच्छी पावनी। पावनी को कैसे कर लियो? मम्मी देखो, ऑलमोस्ट ऊपर बस डल्ला डल्ला रह रहा है। अरे हो तो गया, वो तो डलना है अब। अरे वही तो डलेगा अब, हो गया। इसमें देख लो ना ये रहा फोटो। मम्मा पापा आ जाओ, जाओ अंदर। इधर देखना एक बार, ये पावनी का क्या आया? पावनी सी है, इधर देखो एक बार। सी है स्टैंड। क्या है? या दिस नंबर सी है। मम्मी पापा आ जाओ, ये पावनी प्लीज ये फेसेस मत बनाओ। कैसे कैसे फेस बनाते हो आप? पापा नहीं आए? पहले कारपेट बिछाऊंगी, उसके बाद कोई गद्दा बिछाऊंगी, गर्म रहे और गंदा भी ना हो। जाओ ना अंदर, जाओ, गो इनसाइड। एक बार वैसे जाके देख, हाँ जाके देख लो एक बार, बाद में बिछा देंगे। कहाँ टक्कर मार दिया? ये अरे अरे आराम से चलो, खड़े हो जाओ। मैं ना अपने घर में चप्पल उतार के फिर प्यार से जब गद्दे वद्दे डल जाए, जब जाना है पैसे नहीं बेटा, ठंडा हो रहा बस, उठ जाए बस। आज उठो पावनी, खड़े हो अंदर ही अंदर, पूरा खड़ा हो जाएगी ना, हो जाएगी। अरे भारी होने लग रही है, अंदर ना हो जाओगी। ये फट गया क्या? हाँ ये क्या हेलो प्रिंसेस, हेलो, आपको क्या चाहिए? क्या मेरे को जूस मिल सकता है? हाँ, मेरे पास है, रुक जाओ।
क्या ये शॉप है या घर है? घर है हमारा। घर है ये आपका? बहुत अच्छा घर है आपका। ले लीजिए जूस। थैंक यू। और आपको क्या चाहिए? चाय।